नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों को कठिन शब्दों का अभ्यास करवाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई है कि मैम आप कठिन शब्दों का अभ्यास करवाएं। तो आप हमारी डिक्टेशन के ही मैं कठिन शब्द डालती हूँ, आप लोग बराबर कठिन शब्दों का अभ्यास करते रहें, हमारे साथ बने रहें। बच्चों, जैसे चुनाव लिखना है, चुनाव, तो चुनाव आप कैसे लिखेंगे? चा में थर्ड प्लेस की मात्रा है तो आपने काटा, चुनाव, इसी आप चुनाव लिखेंगे। जैसे बच्चों संदेह, सन देह, तो सन दा और आ बना दिया, इसी संदेह लिखेंगे बच्चों। जैसे बच्चों अवसर लिखना है, अब सर, तो आ व सर, अवसर लिखना, अवसर लिखा। जैसे बच्चों आपको प्रधानमंत्री लिखना है, प्रधान प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री, ये बच्चों शॉर्ट है प्रधानमंत्री। जैसे बच्चों नेतृत्व लिखना है, ने त्र, तो ना को दुगना किया तर लग गया नेतृत्व, ये बच्चों नेतृत्व हुआ। जैसे बच्चों कांग्रेस दल है, कांग्रेस, कांग्रेस दल, अब कांग्रेस दल लिखना है तो इसे हम कैसे बनाएंगे? कांग्रेस और दल इसी में जोड़ दो, ये कांग्रेस दल हो गया बच्चों। जैसे फलस्वरूप, फल स्वरूप, तो ये फल स्वरूप, ये हमारे कठिन शब्द है। आप कठिन शब्दों का बराबर अभ्यास करते रहें तो डिक्टेशन लिखने में आसानी होगी। बच्चों जैसे केंद्र लिखना है, केंद्र, तो का को दुगना किया दर लग गया। मेरी बात को समझना, मैं नियम को बता के भी आपको क्लियर कर रही हूँ। का को दुगना किया तो दर लग गया, और ना का ये नीचे की तरफ आंकड़ा लगा, ये हो गया केंद्र। अच्छा, एक ही मात्रा हमने नहीं लगाई, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड सेंस पर भी बहुत चलती है, तो आप लोग इसे केंद्र पढ़ेंगे, क्योंकि कंद्र कुछ होता नहीं। समाजवाद लिखना है बच्चों, समाजवाद, तो ये हमारा समाज का चिन्ह हुआ बच्चों। बा को आधा किया तो द लगा, ये हमारा समाजवाद हुआ। जैसे बच्चों लोकसभा लिखना है, लोकसभा, तो लोक और इसी में सभा, ये लोकसभा हो गया। मध्यावधि, मध्यावधि, जैसे ये मध्यावधि है तो इसी हम कैसे लिखें? जैसे माँ, ये मध्य मतलब का चिन्ह है, तो इसी को मध्यावधि, ये मध्यावधि हो गया, मध्यावधि। अब बच्चों जैसे हम लिखते हैं आर्थिक, आर्थिक व्यवस्था, तो आर्थिक व्यवस्था, पहले आप आर्थिक लिखिए, आर्थिक, आर्थिक का ये है। और जैसे आर्थिक व्यवस्था साथ में लिखना है, आर्थिक आपने ये लिखा, व्यवस्था को भी हम अलग समझा देते हैं व्यवस्था। अब इसे दोनों को ज्वाइंट हम कर दें तो ये हो गया आर्थिक व्यवस्था, ये हमारा ज्वाइंट है आर्थिक व्यवस्था। जैसे बच्चों वास्तव में, अब बच्चों बच्चे अलग अलग लिखते हैं तो दो बार हाथ उठाना पड़ता है, तो ये वास्तव, इसी में मैं जोड़ दें आप लोग, तो ये मैं का चिन्ह है, इसे वास्तव में पढ़ेंगे तो। और वास्तव में बच्चों ये आता है, कठिन शब्द जरूर आता है, आता है तो वास्तव में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे हर डिक्टेशन में आने वाले शब्द हैं, इसीलिए इन पर आप विशेष ध्यान दें।
उत्पादन लिखना है, उत्पादन, उत्पादन तो आपने उत लिखा, पा दन आपने ये उत्पादन लिख लिया। जैसे बच्चों बेरोजगारी, बे रोज गारी, तो आपने बेरोजगारी को कैसे लिखना है, बेरोजगारी, बेरोजगारी, ये ब बन गया, ये रा, ये सा को कभी कभी जा भी पढ़ते हैं, ये गा है इसी में साथ, ऐसे बच्चों फिर से हम बता रहे हैं बेरोजगारी। ये देखिए आप क्लियरिटी है इसमें, बेरोजगारी। अब बच्चों आप लिखिए अंतर्गत, अंतर को बच्चों आप लोग ना को दुगना किया, ये अंतर हो गया और गा इसी में जोड़ दिया, ऊपर की ओर ता का आंकड़ा लगाया, ये हमारा अंतर्गत हो गया। सिंचाई, सिंचाई बच्चों सिंचाई कैसे लिखना है, सिंचाई, ये सिंचाई हो गया। कृषकों, कृषि कौ, कृषि कौ, ये कृषक भी पढ़ सकते हैं, तो कृषकों में जहां मात्राओं का जरूरी हो लगाना, ऐसे ही लिखना आप, ऐसा नहीं है कि आपने अधूरा अधूरा छोड़ दिया और अपना बना लिया, फिर पढ़ने की बारी आए तो आप लोग पढ़ ना पाए। जैसे बच्चों लिखना है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, तो आपने इसे ट्रैक का को दुगनी दुगना किया तो इसमें टर लग गया। अब बच्चों ट्रैक्टरों भी तो आ सकता है इसमें, जैसे रो, ट्रैक्टरों, तो हम क्या करेंगे इसी के आगे एक बिंदु लगा देंगे, ये हमारा बहुवचन में है, अगर बिंदु नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ ट्रैक्टर है। अगर मैंने ट्रैक्टरों है तो इसमें बहुवचन की बिंदु लगा दी, इसका मतलब है कई ट्रैक्टर। जैसे बच्चों प्रगति, प्रगति, तो ये प्रगति, ये प्रगति हो गया। बच्चों जैसे लिखना है विश्वास, 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 विश्वास लिखना है। जैसे पंचवर्षीय लिखना है, तो बच्चों आप ये ध्यान से देखना, पंचवर्षीय आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, पंचवर्षीय, तो पंचवर्षीय का ये शॉर्ट है, इसे आप याद कर लें, ये पंचवर्षीय है। अब कभी कभी बच्चों छठवीं पंचवर्षीय आ जाती है, जैसे छठवीं पंचवर्षीय, तो हमने ये पंचवर्षीय लिखा, यहाँ सिक्स बना दिए, ये हो गया हमारा छठवीं पंचवर्षीय। अब कभी कभी बच्चों पंचवर्षीय योजना आ जाता है, तो पंचवर्षीय योजना, इसी हम ज्वाइंट में सॉल्ट करेंगे, तो पंचवर्षीय योजना इसी में जोड़ देते हैं। और जैसे छठवीं पंचवर्षीय है, पांचवी है, जितनी भी हो यही पर आप अंक बना देंगे, दसवीं पंचवर्षीय योजना बना देंगे। सदस्यों, जैसे सदस्यों, ये सदस्य, और इस पर मैंने बिंदु लगा दी तो ये हमारा सदस्य हो गया। जैसे परिवर्तन, 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 ये हमारा परिवर्तन हो गया। जैसे बच्चों हम लिखना चाहेंगे सरकार, तो सरकार, तो हमने ये सरकार लिख दिया, सरकार तो बनाना बहुत आसान है। और जैसे सरकारी, तो सरकार है तो लाइन पर, और सरकारी है तो लाइन को काट दिया मैंने, इतना ही अंतर किया। अगर सरकार है तो लाइन पर, और सरकारी है तो लाइन को काट कर, बच्चों ये आप लोगों को माइंड में रखनी पड़ेगी बात। जैसे बच्चों आप लिखते हैं, बच्चों जैसे ये शब्द है हमारा देखने में ये कठिन है,
आप मेरी तरह बनाए, अंतरराष्ट्रीय। तो ये बच्चों अंतरराष्ट्रीय है, तो आप ऐसे बना दें, ये अंतर का चिन्ह है और राष्ट्र का ये लगा दें, इसे आप अंतरराष्ट्रीय पढ़ें। और अगर आप ये सॉर्ट और कर सकते तो आप ऐसा ही रखें, ये आपका अंतरराष्ट्रीय चिन्ह है। ऐसे आप कश्मीर लिखना चाहते हैं, कश्मीर, तो कश्मीर। बच्चों जैसे परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, तो परिवर्तन और इसी में सील कर दें आप, जैसे परिवर्तन और सील, ये आपका सील हो गया बच्चों। जैसे बच्चों अत्यधिक, 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 ये आपका अत्यधिक हो गया। जैसे बच्चों इतिहास लिखना है, इतिहास, इतिहास, इतिहास। जैसे बच्चों उल्लेखनीय लिखना है आपको, उल्लेखनीय, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते, उल्लेखनीय, सॉरी इसे अगर लाइन पर काट कर बनाए तो ज़्यादा बेटर है, उल्लेखनीय। और ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर से नीचे उल्लेखनीय, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं बच्चों। जैसे आया उथल पुथल, बच्चों जैसे उथल उथल आया और पा को काट दिया तो ये पुथल हो गया, उथल पुथल। बच्चों जैसे कमोबेश, 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 कमोबेश हो गया। रियासतों, रियासतों, तो रियासतों ऐसे बना दिया, रियासतों। बच्चों जैसी राजनीतिक, 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 बच्चों जैसे आंतरिक, आंतरिक, तो ये हमारा आंतरिक, आंतरिक, ये हमारा आंतरिक हो गया बच्चों, ये आंतरिक। जैसे बच्चों इसमें हमें लिखना है विदेशी सरकार, अब हम विदेशी सरकार को इकट्ठा कैसे लिखें, सरकार, तो विदेशी और इसी में हम सरकार जोड़ देते हैं, तो हमारा ये विदेशी सरकार हो गया बच्चों। आप हमारे साथ कठिन शब्दों के साथ इसी चैनल पर जुड़े रहें, मैं आपको बराबर अभ्यास करवाऊंगी जिससे आपको डिक्टेशन लिखने में आसानी हो। दैट्स ऑल, अगर कठिन शब्द अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें।